The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal. Main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Aaj hum baat karenge autism spectrum disorders ka. Autism spectrum disorder ek complex बीमारी है, कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल कंडीशन है. यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बच्चे को सोशल इंटरेक्शन से, स्पीच में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, मतलब कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, चैलेंजेस है. उसके अंदर कई सारे बिहेवियरल इश्यूज हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर या रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर कुछ नहीं कर पा रहा है, उसको ऑटिज्म बोलते हैं. ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स कह लीजिए. इसमें हर एक पेशेंट पे डिफरेंट इफेक्ट होता है और इसको हम शॉर्ट में एएसडी बोलेंगे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ठीक है. और एएसडी पहले तो बचपन में ही ज्यादातर पाया जाता है, पर बड़ों में भी कायम रह सकता है. 2 से 3 साल की उम्र में पहले पाया जा सकता है और ये टॉडलर या तक रह सकता है. कि हो सकता है टॉडलर जब बच्चा चलने फिरने दौड़ने भागने लगे तो हो सकता है वो नॉर्मल हो जाए. हो सकता है कि जब वो नए नए स्किल्स अपनाए वो ये चीज़ से निकल जाए, लेकिन पॉसिबल होता है कि ये आगे तक भी रहे. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो 3 से 4 गुना ज्यादा कॉमन है बॉयज में एज कम्पेयर टू गर्ल्स. गर्ल्स में साइन होते भी हैं तो लेस ऑब्वियस साइंस होते हैं एज कम्पेयर टू बॉयज. और ये ऑटिज्म जो होती है, एक ऑटिज्म जो बीमारी है वो तो लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो इंसान आगे चल के इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है, ठीक हो सकता, पूरा मतलब हो सकता है वो रिकवर कर जाए, जीना एडजस्ट करना सीख जाए और कोई प्रॉब्लम ना रहे. यहाँ पर जो हम दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि ये क्या है. अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है, याद रखिए, हर एक पेशेंट टू पेशेंट काफ़ी वेरी करेगा रेंज ऑफ सिम्टम्स में, एबिलिटीज़ में, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बिहेवियर में चेंजेस बहुत होंगे. सिम्टम्स कह लीजिए, माइल्ड टू सिवियर, और ये सिम्टम्स टाइम के साथ ऊपर नीचे भी हो सकते, राइट. किसी के बढ़ते जाएंगे, किसी के कम होते जाएंगे. अब इसमें क्या क्या आते हैं जो मैंने बताया. पहले तो सबसे ज़रूरी है सोशल इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, मतलब आपके बैक एंड फोर्थ एक दूसरे से डायलॉग करना, दो बंदे एक दूसरे बात कर रहे हैं वो मुश्किल होगा. कोई इमोशंस शेयर करना, इंटरेस्ट शेयर करना मुश्किल होगा. दूसरे के सोशल क्लूज समझना, नहीं उसको नहीं समझेगा कि हाँ चुप होना है, सोशल क्लूज समझना मुश्किल होगा. आई कांटेक्ट रखना मुश्किल होगा, फेशियल एक्सप्रेशंस मुश्किल होंगे, और देयर माइट बी डिफिकल्टी इन रिलेशनशिप्स और इवन दोस्त बनाने में मुश्किलात हो सकती है. ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन. दूसरा बिहेवियर, बार 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 कोई ना कोई रिपीटेटिव बिहेवियर या रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर हो सकता है, मतलब हैंड फ्लैपिंग, टो वॉकिंग, प्लेइंग विद द टॉयज, जो बहुत ही अनकॉमन वे में अगर किसी तरीके से, यानी कि कार को बार बार फ्लिप करना या एक चीज़ जो कार ऐसी चलनी है उसको कुछ और करना जो उससे बनी नहीं है, राइट. कोई अलग तरीके से बोलना, कोई ऑड पैटर्न होना, कोई ऑड पिच होना, नहीं मैं नहीं बहुत दूर हुआ, व्हाटएवर ना, स्क्रिप्ट ना, स्पीचिंग इन पिचिंग इन स्क्रिप्ट काइंड ऑफ, क्या मतलब, कुछ फेवरेट शोज के बेसिस पे, मान लो कोई टीवी शो देख लिया उसके हिसाब से. और दे माइट हैव अ सिग्निफिकेंट नीड ऑफ प्रिडिक्टेबल रूटीन, कि भाई मेरा ये टाइम है, मेरा वो टाइम है, मेरा वो टाइम, काइंड ऑफ यही है समथिंग लाइक दैट. और इंटेंस इंटरेस्ट उनका अनकॉमन एक्टिविटीज में दिखाना, जो बच्चों में बचपन में होती है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा हो सकता है. सो काफ़ी वेरिएबल है. और कई बार उनके अंदर स्मेल, टच और पेन, टेम्परेचर के जो सेंसेशंस होते हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, राइट. दे माइट बी
फैसिनेटेड बाय लाइट्स और मूवमेंट और समथिंग, ओवरवेल्ड बाय लाउड वॉइस, बहुत ज्यादा आवाज से डर जाएं. सो देयर कैन बी दीज थिंग्स. ऑल्दो अगेन द डायग्नोसिस शुड नॉट बी मेड बाय यू, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया. डायग्नोसिस इज टू बी मेड बाय अ प्रोफेशनल डॉक्टर. ठीक है. मैनी पीपल जिनको एक्चुअल ऑटिज्म है उनका इंटेलिजेंस नॉर्मल रह सकता है उनका, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनका इंटेलिजेंस जो है माइल्डली या सिग्निफिकेंटली डिले हो. दोनों वेरिएशंस है, राइट. सो अल्टीमेटली इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, राइट. और इसमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है. देखो एएसडी से, एएसडी ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, नॉट एक जो शरीर दिल के अंदर जो होल होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, उसको भी एएसडी बोलते हैं, वो नहीं. एंड यहां पर उन लोगों को रिस्क ज्यादा होता है स्लीप प्रॉब्लम्स का, सीजर डिसऑर्डर का और मेंटल इलनेस का. ये तीन चीजों का रिस्क उनको ज्यादा होता है. डायग्नोसिस करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन उनकी फैमिलीज को इसको कायदे से, तो वैसे कोई टेस्ट नहीं है, हिस्ट्री और उसके मेंटल एग्जामिनेशन पे एक ट्रेंड प्रोफेशनल डायग्नोस करता है कि ऑटिज्म है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, क्या है. और कोई भी बच्चा जिसको ऐसी प्रॉब्लम हो उसको स्पेशल थोड़ी बहुत केयर की जरूरत होती है, घर में ही एजुकेशन की जरूरत होती है पेरेंट्स को, राइट. तो आप क्या क्या करोगे, किसकी जांच करनी चाहिए, उसमें थोड़े से आपको पॉइंटर्स दे सकते हैं. अगर कोई बच्चा है जो 12 महीने का हो गया है और अपने नाम से, नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बार बार नाम ले रहे हैं लेकिन नहीं पहचान रहा, दैट माइट बी अ साइन. अभी ये साइंस बता रहा हूं. अगर कोई बच्चा 14 महीने का है और अगर किसी चीज को पॉइंट कर रहे हैं, ये देख वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, माइट बी स्लो, ब्रेन स्लो हो सकता है. 18 महीने का बच्चा अगर प्रीटेंड गेम्स नहीं खेल रहा, प्रीटेंड गेम्स कोई भी, मान लो आप ये कहाँ है, वो क्या है, ये देखो मैं हूं, वो है, वट एवर समथिंग लाइक प्रीटेंड गेम्स, आई कॉन्टैक्ट अगर वो अवॉइड कर रहा है, अकेले रहना पसंद करता है, माइनर चेंजेस अगर उसके रूटीन में हो रहे हैं, डायपर पहनना बंद हो रहा है तो अपसेट हो रहा है, छोटे बड़े बड़े चेंजेस से, छोटे से चेंजेस से भी, हाँ हैंड फ्लैपिंग है, रॉकिंग ऑफ बॉडी है या स्पिनिंग इन सर्कल्स हैं, कुछ भी ऐसे साइन है जो रिपीटेड है, कोई भी अनयूजुअल इंटेंस रिएक्शन है किसी भी चीज का, बार बार हो रहा है, चाहे वो कोई कोई ऐसी चीज हो जो टेस्ट वाली हो, फील वाली हो, लुक वाली हो, ऐसे कोई सिग्निफिकेंट चीज जो आपको लगती हो, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है. और अगर साइंस है तो आप डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करना चाहिए, आपको साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए. ट्रीटमेंट में देर आर सम टिप्स कि पहले तो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि ऑटिज्म है क्या, ऑटिज्म होता क्या है, ट्रीट कैसे होता है, बीमारी क्या है, आगे चल के क्या होता है, कंसर्न अपना ठीक करें. उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, कंसिस्टेंट रूटीन चाहिए बच्चे के लिए, और रेगुलर जो काउंसिलिंग चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने फैमिली के लिए टाइम निकालना है, बच्चे के लिए टाइम निकालना है, बच्चे को काउंसिल करना है, बच्चे के साथ में लव एंड अफेक्शन का रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है. स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है तो स्ट्रेस को कम करने के लिए कभार आपको भी काउंसिलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है. सो विद द हेल्प ऑफ टॉक थेरेपी एंड वेरी वेरी रेयरली, इसमें मेडिकेशन का ज़्यादा रोल नहीं है, बट देन अगर कोई बच्चा नहीं, कोई ऐसी चीज़ है जो हमें लग रहा है कि कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो हो सकता है साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट आपको कोई ड्रग दें, बट यूजुअली ये ड्रग ज़्यादातर यूज नहीं होते. सो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है अगेन आपके साइकोलॉजिस्ट पे, साइकाइट्रिस्ट पे, कि उनको क्या लगता है और उनको क्या लगता है कि आपके केस में बेस्ट ऑप्शन क्या है, टॉक थेरेपी, काउंसलिंग, बिहेवियरल थेरेपी, व्हाटएवर. तो इन सारी चीज़ों से आपका बच्चे का ट्रीटमेंट होता है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, ताकि उनकी लाइफ जो है, द गोल इज to make the life easy, adaptable, livable and adjustable. That's all about autistic spectrum disorders. I hope this video taught you something. If it did, then please share, hit the share button, like, subscribe. Thank you so much. I'm Dr. Paramjeet. Stay connected, stay healthy.